हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा सेंटर में। दोस्तों, मैंने आपको कल पावर ग्रिड का एक जॉब अपडेट दिया था, जिसमें आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले एलिजिबल थे, जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी। तो उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस का वीडियो जल्दी लाऊंगा, तो इस वीडियो में आपको वही जानकारी मिलने वाला है। तो आपको इसका ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, और सिंपली आपको गूगल में टाइप करना है पावर ग्रिड। जैसे ही आप पावर ग्रिड टाइप करके सर्च कर देंगे, तो देखिए आपके सामने ही एक वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, देखिए इसका यूआरएल है www.powergrid.in। तो आपको इसी वेबसाइट को यहाँ पे इस पर ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस शो होगा। तो जब ये वेबसाइट अच्छे से ओपन हो जाएगा, तो देखिए आपके सामने यहाँ पे राइट साइड में 3 लाइन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ, तो आपको सिंपली इसी वाले सेक्शन पे टच कर देना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे, तो देखिए आपको यहाँ पे एक कैरियर का सेक्शन मिलेगा, कैरियर। फिर उसके बाद देखिए नीचे डाउन एरो का सिंबल बना है, आपको सिंपली इसी डाउन एरो पे यहाँ पे टच करना होगा। जैसे आप इस पर टच करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रहा है। फिर देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज के राइट साइड में देखिए डाउन एरो फिर से यहाँ बना है, तो आपको सिंपली फिर से इसी पर क्लिक कर देना है। फिर जब आएंगे, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे, तो फिर देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसी पे फिर से टच कर देना है। जैसे ही आप इस पे टच करेंगे, तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से इसका ये टैब ओपन होगा। फिर देखिए यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आप मोबाइल के थ्रू लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन करने से पहले, आप फर्स्ट बार इस पोर्टल पे आए हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का जो इसका प्रोसेस है, वो प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप फर्स्ट बार क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरह से देखिए कैंडिडेट रजिस्टर का यहाँ पर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको मैं बताता हूँ क्या क्या फिल करना है। इसमें आपको ईमेल आईडी फिल कर देना है अपना, सही सही स्पेलिंग के साथ। फिर वही ईमेल आईडी फिर से आपको यहाँ पे दोबारा फिल करना है। फिर देखिए एक अल्टरनेट ईमेल आईडी है, अगर एक ईमेल आईडी के अलावा अगर आप दूसरा ईमेल आईडी यूज करते हैं, तो अनदर ईमेल आईडी आप इसमें यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर नीचे वाला देखिए सेक्शन है मोबाइल का, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना फिल कर लेना है अच्छे से। यहाँ पे देखिए नीचे ध्यान रखेंगे, नोट दिया गया है कि विदाउट लीडिंग 0 और +91, आपको बिना 0 के और +91 लगाने के अलावा ही आपको अपना बस 10 अंकों का मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर एक देखिए नीचे एक ऑप्शन है अल्टरनेट मोबाइल का, तो आपको आपके पास एक से एक के अलावा और भी मोबाइल नंबर होगा, तो आप नीचे उसमें फिल कर सकते हैं। फिर देखिए नीचे यहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए जो कैप्चा शो हो रहा है ना, आपको ये नीचे वाला बॉक्स में फिल करना है। अगर आपका कैप्चा सही से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इस वाले सेक्शन पे जो देखिए यहाँ पे रिसाइकल का ऑप्शन बना है, तो आपको उस पर क्लिक करके उसका रिफ्रेश कर दीजिएगा। फिर जब आप अपना इतना डाटा फिल कर लेंगे जो मैंने अभी ऊपर बताया है, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ देखिए जो रजिस्टर का सेक्शन है, आपको इसी पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जब आप इतना कर लेंगे, तो मैं रजिस्ट्रेशन का आपको प्रोसेस बता दिया। फिर उसके बाद आपको देखिए लॉगिन वाला जो पेज है, आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से इसका यहाँ पे पेज ओपन हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो ईमेल आईडी डाला था या मोबाइल नंबर डाला था, आपको सिंपली उसमें फिल करना है। और देखिए जो ऊपर जो कैप्चा शो हो रहा है, नीचे वाले बॉक्स में फिल करके आपको सिंपली यहाँ लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल ईमेल पे ओटीपी चला जाएगा, उसको फिर डाल करके आप सबमिट करेंगे, तो आपका ये जो लॉगिन हो जाएगा, फिर अंदर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। तो चलिए मैं लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे ही लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन का इस तरह से आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगा। तो अभी जो आपके मोबाइल पे जो ओटीपी रिसीव हुआ है, वही आपको इसमें यहाँ पे फिल कर देना है। चलिए मैं इसको फिल करता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे मोबाइल पे जो ओटीपी आया था, मैं उसको फिल कर दिया हूँ इसमें। फिर उसके बाद आपको यहाँ देखिए वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो ये मेरा जो प्रोफाइल है यहाँ पे ओपन हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, मैंने जो डिटेल्स यहाँ पे फिल किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा आ गया है। फिर मैंने अपना कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लिया था, रजिस्ट्रेशन मैंने पहले किया था। तो उसके बाद देखिए आपको क्या क्या यहाँ पे यूज़ करना है। सबसे पहले इस पर क्लिक करके आपको ना पर्सनल डिटेल्स फिल कर लेना है, मेलिंग डिटेल्स यानी कि एड्रेस वाला सेक्शन आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर यहाँ पे अपने अकाउंट डिटेल्स यानी कि बैंक डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर देखिए ये जो एक ऑप्शन है रिलेटिव वर्किंग इन पावर ग्रिड डिटेल्स, अगर आपके कोई रिलेटिव यहाँ पे पावर ग्रिड में वर्किंग है, काम करते हैं, तो आप उनका यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं, आपको वेटेज मिलेगा। तो इस तरह से ये टैब ओपन होगा। फिर उसके बाद देखिए आप जब नीचे आएंगे तो देखिए लिस्ट ऑफ अप्लाइड एप्लीकेशन, तो देखिए इसके लिए अप्लाई के लिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा था तो उसका डिटेल्स दिया था, तो मैंने अभी इसको फाइनल सबमिट नहीं किया है। तो मैं अब यहाँ पे सबमिट और चेंज एप्लीकेशन पे क्लिक करके इस प्रोसेस को मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसका ओपन करके दिखाता हूँ फॉर्म किस तरह से इसका ओपन होगा। देखिए मैंने यहाँ पे ईस्टर्न रीजन फर्स्ट के लिए अप्लाई किया था आप लोग को दिखाने के लिए। तो देखिए वो इसका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा है, और फिर यहाँ पे ये पोस्ट आईडी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, 355 यहाँ पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है सिंपली, फिर उसके बाद लॉगिन हो जाना है, फिर आप यहाँ इसके कैरियर सेक्शन पे आ जाएंगे, और फिर आपको यहाँ से उसका पोस्ट कोड वगैरह सब मैच करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। चलिए मैं इसका इंटरफेस दिखाता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म का, ये किस तरह से यहाँ पे ओपन होता है। जैसे मैं उस पर क्लिक किया तो नए टैब में उसका एक फिर से पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैं क्लिक किया तो ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, आपको यहाँ देखो ऊपर का जो एरो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्रॉस का, आपको सिंपली इस पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देना है। फिर देखिए यहाँ वेलकम टू ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम आपके यहाँ पे आ गया। आप पोस्ट अप्लाइड रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग ईस्टर्न रीजन फर्स्ट, पोस्ट आईडी 355 उसका डिटेल्स है। देखिए मैं जो भी बेसिक बेसिक डिटेल्स वहाँ पे फिल किया था, मैं बताया था चार सेक्शन में आपको डिटेल्स फिल करना है, इस तरह से आपको यहाँ पे फिल कर लेना होगा। और फिर सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह का भी मैंने बताया था कि देखिए आपको यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आप टच करके यहाँ पे क्वालिफिकेशन को डिटेल्स को फिल करेंगे, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो फिल करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। अदर इसेंशियल डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे, फिर लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, जब आप इतना बेसिक डिटेल्स अपना फिल कर लेंगे आपको चेक्स बॉक्स को यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा, और फिर स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं कि फाइनल सबमिट तभी आप किया करिए जब आप जो डाटा फिल किए हैं एकदम कंफर्म है कि मेरा सब कुछ एक्यूरेट है, सब कुछ सही है, उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट किया करिए किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म का। क्योंकि अगर आपका फिर जब सिलेक्शन हो जाता है तो वेरीफिकेशन टाइम बहुत ही इशू होता है, बहुत ही आपको प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है, इसलिए सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन का प्रीव्यू देख लिया करिए, कन्फर्म हो लिया करिए, उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट किया करिए। फिर जब सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल कर देंगे तो आपके सामने पेमेंट वगैरह के लिए सब यहाँ आपका यहाँ इसका इंटरफेस टैब ओपन हो जाएगा, फिर वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी मुझे किसी का फॉर्म नहीं भरना था, अभी मैं आपको दिखाने के लिए बस इसका इंटरफेस के लिए आपको रूबरू करा रहा था कि आपका प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप इस में लॉग इन होंगे, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो आप इस स्टेप्स को देख लीजिएगा और इस वेबसाइट्स पे जा करके आप जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए, लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट में वेबसाइट वगैरह बिजी हो जाएगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, बहुत ही इशू होता है भरने में। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियोज़ पे जब व्यूज़ नहीं आते हैं, लाइक नहीं आते हैं, तो मोटिवेशन नहीं मिलता है, वीडियोज़ बनाने का मन नहीं करता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मेरी बातों को आप अच्छे से समझेंगे और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।